क्वेश्चन नंबर 5 है 13.4 एक्सरसाइज का, जिसमें हमें क्या करना है, ये आपको एक बाउल दे रखा है, इसका जो इनर रेडियस है वो दे रखा है 10.5। तो जो ये बाउल है इसके अंदर हमें टिन की कोटिंग करनी है। जैसे आपने देखा ना बाउल होता है उसके अंदर टिन का वो बना होता है एरिया, तो हमें उसकी टिन की कोटिंग करनी है, तो हमें निकालना है। और हमें ना कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में टिन प्लेटिंग की 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पे जरूर फोकस करना। 100 सेंटीमीटर पर स्क्वायर का मतलब हो गया ये कॉस्ट दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 × 22/7 × 10.5। अब देखिए हमने रेडियस दे रखी है लेकिन हमें फार्मूला में आर का यूज करना है, तो हमने 10.5/2 × 10.5/2। 2 को हमने इस 2 से काटा तो हमारा 11 आया, इस 2 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया। नाउ 10.5 × 10.5 आएगा हमारा 110.25। आपको कैलकुलेशन कर देखनी है, 11 × 7, 11 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1212.75/7। तो हमारा फाइनल आंसर जब इस कैलकुलेशन को कर लेंगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस पूरे बाउल का अंदर का सरफेस एरिया निकल के आ गया। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में रखा था, यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट होती है 60 रुपीज, तो फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 16/100। 4 टॉफी आती है 20 रुपए की, तो 1 टॉफी कितने की आएगी, वही वाला फार्मूला। अब हमारा 1 सेंटीमीटर का आ गया, हमें निकालना है 173.25 सेंटीमीटर का, तो हम लिखेंगे 173.25 सेंटीमीटर की कॉस्टिंग क्या होगी, 1 की थी 16/100 × 173.25। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.72 रुपीज।